मेरा नाम आकाश कस्बे, मैंने स्प्रिंटर्स डीजे स्कूल से ट्रेनिंग पूरा किया है। आकाश जी, आपका कोर्स कैसे हो गया? कोर्स कैसे कंप्लीट हो गया? मस्त हो गया, सुपर हो गया। यहाँ पे आने से पहले तुमने दूसरे जगह भी ट्राई किया कोर्स के लिए, ऐसी क्या बात थी जो तुम स्प्रिंटर्स में आके तुमने तुम्हारा कोर्स कंप्लीट किया? दूसरे जगह भी चाहिए तो जा सकते थे, ऐसे तुम गए भी थे और तुमने देखा भी था, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोल रहे थे हम तुमको ऐसा बड़ा डीजे बनाएंगे, ऐसा करेंगे, फिर भी तुम स्प्रिंटर्स में क्यों आए डीजे सीखने, ऐसी क्या खास बात है? मेरे को इधर अच्छा लगा, सर ने अच्छा सिखाया, उंगली पकड़ के सिखाया, सब कुछ अच्छा ट्रेनिंग दिया, इसलिए। आगा जी, पहले यहाँ पे आने से पहले तुम एक जगह पे काम करते थे और तुम्हारा जॉब भी चला गया, अब तुमको ऐसा पछतावा नहीं हो रहा है कि तुमने अभी अपने डीजेइंग का कोर्स कंप्लीट किया है? तो अभी तुमको वो जॉब की जरूरत नहीं है, आने वाले दिन में तुम डीजे का ही काम करने वाले हो। तो क्या लगता है कि तुम्हारा जॉब छोड़ गया तुम्हें कुछ गम है क्या? तुमको लग रहा है कि अभी तुम डीजेइंग के अंदर अपना करियर बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेरे को डीजे के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करियर मेरा डीजे में ही चलेगा। अच्छा, तो तुम्हारा डीजे सुर के बारे में क्या ख्याल है? तुमको ट्रेनिंग कैसे दिया? अच्छा ट्रेनिंग दिया, सब कुछ अच्छा, उंगली पकड़ के सिखाया। अच्छा, कुछ थोड़ा डाटा भी? हाँ, थोड़ा डाटा भी, लेकिन आज रिजल्ट है कि तुम अच्छे डीजे हो। और हम और एक सवाल तुमसे पूछना चाहते हैं आकाश जी, यहाँ पे बहुत अक्सर देखा गया है कि बहुत से डीजे लोग आते हैं, दूसरे दूसरी जगह से आते हैं, लेकिन थोड़ा पैसा सोचते हैं, 5-10 हज़ार के लिए उनको लगता है कि हम लोग उनसे ज्यादा पैसा लेते हैं, फिर दूसरी जगह भागते हैं और फिर गलत ट्रेनिंग होते हैं, फिर वापस स्प्रिंटर्स में आके सर को बोलते हैं सर हमारे से गलती हो गई, हम दूसरे जगह गए। जैसे कि बहुत सी जगह पे ऐसे लोग ने खोल के रखा है, ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखा है, डीजे इंस्टीट्यूट बोलते हैं, डीजे स्कूल बोलते हैं, डीजे एकेडमी बोलते हैं, लेकिन वहाँ के सारे स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो सब वापस यहाँ पे आके वापस ट्रेनिंग करते हैं। तो ऐसे लड़कों से तुम क्या बोलोगे कि उनको वहाँ पे जाना चाहिए क्या डायरेक्टली स्प्रिंटर्स में आके ही ट्रेनिंग करना चाहिए? डायरेक्टली इधर ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, यहाँ पे क्यों आना चाहिए? बाकी के इंस्टीट्यूट से ये ट्रेनिंग सेंटर ज्यादा अच्छा है? अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है सर। तुम रिकमेंड करोगे अब बाकी के डीजेस लोग को यहाँ पे आने के लिए? जरूर। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे हुई आकाश? अच्छी। यू हैप्पी विथ योर ट्रेनिंग? हैप्पी हो सर। आकाश जी, हम चाहते हैं आने वाले दिन में तुम बहुत तरक्की करो, हमारी शुभकामना है तुम्हारे साथ, अच्छे बड़े डीजे बनो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ। वी आर गिविंग यू आवर बेस्ट विशेस। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। चलो कौन नीचे वाला भी चलो ऑफ करो, दोनों ऑफ, ऊपर का भी ऑफ। चलो नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट इफेक्ट ऊपर का नॉइस में जाओ, कम हो जा, तुम कमा बस, नेक्स्ट जाओ नीचे वाला, कमा चलो उसके बाद वाला फिल्टर ऑफ, जेट पे, जेट का सेटिंग कर लो, कमान। हाँ ठीक है, ये इतना सेटिंग हो गया, अभी नीचे इफेक्ट में है, इफेक्ट ऑन करना है नीचे का इफेक्ट। चलो फेजर पे जाओ, चलो सेटिंग करो वापस जेट का, ठीक है नीचे से जाओ ऑन करो। हाँ कौन सा इफेक्ट ले रहे हो? फेजर, फिर फ्लेंजर जाओ, हाँ जाओ कम ज्यादा ऊपर, ऑफ करो दोनों इफेक्ट करो, दोनों साथ में ऑफ। यहाँ का लूपिंग छोड़ो, कमन बस, चलो बेंडिंग थोड़ा सा मिड बढ़ा, उसका मिड बढ़ा, वहां से उसका भी लूपिंग छोड़ दो, थोड़ा वहां से बेंडिंग, ये बटन ऑफ कर दो, उधर से इधर से भी थोड़ा सा बेंडिंग उधर, चलो ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग, दोनों का विनाइल मोड ऑन करना है, इधर जैसे है उधर भी, वो बटन पूरा कर दो दोनों, यहाँ का ये दोनों बटन पूरा, दोनों विनाइल मोड पे जाओ, यहाँ का भी विनाइल मोड, वहां का भी विनाइल मोड, चलो यहाँ का भी लूप मोड दबाओ, पहले दबाओ, हाँ कितना बीट लेना है, 8 बीट लेना है, 4 बीट लेना है, उंगली रख दो वैसे, वहां पे भी 8 बीट है। चलो यहां से सब अभी इफेक्ट वगैरह सब स्टार्ट करोगे, चलो
समझाता हूँ ऊपर से। चलो बड़ा ये बाजू, चलो नेक्स्ट इफेक्टर पे जाओ, नीचे वाले से फेजर में जाओ, फेजर में जाओ, चलो जेट से खेलो थोड़ा, दोनों जेट पे भी उंगली रहेगी, ये इफेक्टर पे भी उंगली रहेगी, दोनों साथ में एक साथ ऑफ होएगा, दोनों एक साथ ऑफ। चलो यहां का लूप खोलो, वहां का भी लूप खोलो, दोनों पॉज बटन विनाइल मोड में जाएंगे, यहां से भी विनाइल मोड, उधर भी विनाइल मोड, दोनों पॉज एक साथ, दोनों फेडर एक साथ नीचे, सीरीज है, मैं सूरत से हूँ, मैंने स्प्रिंटर डीजे से अपना कोर्स पूरा किया। तुम्हारा सीरीज जी, तुम्हारा कोर्स कैसे हो गया? कोर्स अच्छे से हो गया। अच्छे से हो गया। यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने के लिए तुम कोरोना के पहले 2 साल पहले आए थे और तुम पैसे भर के चले गए थे और फिर कोरोना जब जास्ती केस हो गया तुम यहाँ पे आ नहीं सके और फिर बाद में तुम सर से टच में रहे, सूर सर से, लेकिन तुम्हारे बहुत से दोस्त लोग ने कहा कि तुम्हारा पैसा अभी गया, सर तुम्हारा कोर्स करेगा नहीं और खा लिया, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे डीजेस लोग हैं और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे एक बार पैसा भर दिया और अगर आप जल्दी नहीं गए तो कोर्स चला गया, लेकिन स्प्रिंटर्स में तुम 2 साल के बाद आए और आज तुम्हारा ये कोर्स सर कम्प्लीट कर रहे हैं, बाकी के जितने भी तुम्हारे क्लास है सर कम्प्लीट कर रहे हैं, तुमको क्या लगता है, तुमको भरोसा था, तुमको ऐसा बाकी के इंस्टीट्यूट्स और जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ में और स्प्रिंटर्स में क्या फ़र्क है, क्या तुमको लगता है कि दूसरे जगह अगर तुम जाते तुम्हारा पैसा हजम हो जाता, क्या तुमको लगता है कि यहाँ पे तुमने अच्छा काम किया और तुमको भरोसा है यहाँ पे कि अच्छी तरह से तुम्हारा कोर्स हो रहा है वापस? दूसरी जगह पे जाता तो मेरा कोर्स खत्म होता ही नहीं, दूसरी जगह पे जाता तो मेरा कोर्स पूरा ही नहीं होता। तुम स्प्रिंटर्स में क्यों आए, तुमको ऑप्शन था कि बहुत से जगह पे तुम जा सकते थे ट्रेनिंग करने के लिए, स्प्रिंटर्स में क्यों आए? इस पे मुझे लगा, सर को देखा उस पे मुझे विश्वास है, इसलिए इधर आया यार। तो बाकी के जगह भी तुमने काफी इन्फॉर्मेशन निकाला है, तुमको वहाँ पे भरोसा क्यों नहीं आया और यहीं पे तुमको क्यों भरोसा आया? दूसरी जगह पे मैंने बहुत सुना था इसलिए। अच्छा, क्या लगा वहाँ पे तुमको, क्या लगा वहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क लगा तुमको? यहाँ बहुत अच्छे से सिखाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं। सूरत से मुंबई आ रहे हो ट्रेनिंग करने के लिए, पहले भी काफी सूरत से और भी बच्चे आए हैं, तो ऐसी क्या खास बात है कि सूरत वाले, अगर चाहिए तो सूरत वाले मुंबई में आ रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, उनको चाहिए तो सूरत में भी ट्रेन कर सकते, सूरत में ट्रेनिंग क्यों नहीं किया तुमने, बॉम्बे में क्यों है और बाकी का दूसरे जगह पे क्यों नहीं गए? मुझे वहाँ सही नहीं लगा इसलिए। अच्छा, क्या और तुमको क्या लगता है बॉम्बे में जो ट्रेनिंग खोल के रखे हैं सब लोग ने खोला है, डीजे इंस्टीट्यूट खोलते हैं, डीजे स्कूल खोलते हैं, क्या तुमको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे सही सिखाते हैं, क्या स्प्रिंटर्स में ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होता है? मुझे तो स्प्रिंटर्स में अच्छा लगा। स्प्रिंटर्स में अच्छा लगा। अगर तुमको, अगर वापस तुमको मौका मिलेगा, क्या तुम तुम्हारे दूसरे दोस्तों को भी यहाँ पे स्प्रिंटर्स में ट्रेनिंग करने के लिए भेजोगे? ऑलरेडी वो लोग आने वाले ही है। अच्छा, ऑलरेडी तुम्हारे फ्रेंड लोग आने वाले, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड को भरोसा क्यों नहीं था? बहुत से तुम्हारे फ्रेंड लोग ने तुम्हारी हिम्मत तोड़ दी, तुम्हारा दिल तोड़ दिया और कहा कि स्प्रिंटर्स में आओगे तो तुम्हारा पैसा चला गया, तुम्हारा पैसा खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो अलग ही हो गया, वापस तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होगा वो भी बिना पैसे भरे बिगर, क्या लगता है ऐसा कैसे हो गया, क्या आप खास बात है, सूर सर के ऊपर भरोसा था तुमको? मुझे पूरा भरोसा था। अच्छा, ऐसे यहाँ पे बहुत से देखा जाता है शिरीष जी, बहुत से डीजेस लोग आते हैं, तुमने पैसे के लिए फिक्र नहीं किया, देखो आज तुम्हारा 2 साल के बाद आने के बाद भी तुम्हारा कोर्स कम्प्लीट हुआ है, तुमने पैसा डाला यहाँ पे और तुमको भरोसा था कि आज नहीं तो कल कुछ भी हो सर मेरा कोर्स कम्प्लीट करने वाले, लेकिन बाकी के डीजेस जो यहाँ पे आते हैं जब उनको हम लोग प्राइस बताते हैं फीस का तो वो 10-5 हज़ार रुपया बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, ऐसे डीजेस लोग को तुम क्या बोलोगे, दूसरे जगह जाना चाहिए क्या, स्प्रिंटर्स में आके ही भरोसा करके पैसे भर के अपना फुल कोर्स करना चाहिए? थोड़ा पैसे के लिए दूसरी जगह नहीं जाने का, जहाँ अच्छा है वही जाने का। तुमको लगता है तुमने सही जगह पे इन्वेस्ट किया? सही जगह। ओके शिरीष जी, हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में तुम बहुत तरक्की करो और हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे पास कि तुम सूरत का एक बहुत अच्छा डीजे, बड़ा डीजे बनो और बहुत पैसे कमाओ, बहुत नाम कमाओ और रीजिंग इंडस्ट्री में चाह जाओ। थैंक यू बेटा, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। कम ऑन, इधर से उधर से स्टार्ट, चलो इफेक्टर ऑफ कर दो सब, उधर से भी गाना छोड़ो, चलो थोड़ा बैंडिंग इस तरफ, मेरी तरफ, उस तरफ,
ठीक है चलो एफेक्टर ज्यादा घुमाओ मत बस चलो तीसरा चौथा ऑफ ऑन करो जेट लेके सेटिंग कर लो बस नीचे का इफेक्टर ऑन वहां से ऊपर से कम ज्यादा बड़ा कम ज्यादा हाँ ये वाले इफेक्टर जो इधर है चेंज करो फ्लैंजर में जाओ दूसरे में जाओ फिल्टर में जाओ इधर 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 कौन फेजर में जाओ फ्लैंजर में जाओ फिल्टर में जाओ ऊपर से कम ज्यादा दोनों इफेक्टर एक साथ ऑफ करोगे यहां से लूप खोल दो वहां का भी लूप खोल दो यहां का लूप मार दो एक चार बीट बड़ा बड़ा कम करो चलो जेट में नीचे का भी इफेक्टर ऑन दोनों ऑफ एक साथ उधर का लूप खोल दो इधर भी थोड़ा सा बैंडिंग उधर भी बैंडिंग मामूली बस दोनों विनाइल मोड में जाओगे उधर भी इधर भी दोनों एक साथ पॉज दबाओगे और दोनों फेडर नीचे लेके पॉज हाँ दबाओ दोनों फेडर नीचे चेक जेट जेट अगेन फास्ट कम ऑन फास्ट कम ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट इफेक्ट नॉइस कम ऑन Come on off, come on, go to the next brush, come on. Come on, go to the next. Oh yeah. Off, come on. Go to jet. Jet ka controller jo tha, usko gumao phir. Chalo, wo haath se usko gumao, ye haath se usko gumao. Upar se usko kam jyada kam. चलो दोनों ऑफ एक साथ में दोनों ऑफ वो भी ऑफ जेट भी ऑफ चलो उसको इधर से एक बटन दबा लो इधर का ये वाला उधर का हाँ लूप मिक्स कम ऑन एक्सटेंड करो यहां से उसका लूप को ऊपर देखो सामने देख के एक्सटेंड कम ऑन या कम ऑन गुड बस बस दैट्स ऑल कम ऑन नाउ गो ऑल टू ऑल द इफेक्ट गो टू द जेट इफेक्ट the second effect make it both on niche wala bhi on this also on kam jyada upar se ho wale ko effect ko yahan se bada kam jyada bas ungli hatao go to the jet effect now come on कम ज्यादा करो कंट्रोलर से ऊपर से सेटिंग करो जो ऊपर वाला था ये वाले इफेक्ट का कम उधर क्या दोनों ऑफ ये भी ऑफ दैट्स ऑल दोनों अभी लूप में गाने जा रहे हैं अभी वहां से ये कंट्रोल को फुल कर लो स्लोली फुल दबाना नहीं कम ऑन एंड कम प्रेस विनाइल मोड फ्रॉम हियर दोनों है ओके कम ऑन बैंडिंग ओवर हियर दिस साइड लिटिल बिट बैंडिंग ओ साइड बैंडिंग उस तरफ की तरफ दोनों बैंडिंग इस तरफ बस यहां से लूप कोल्ड डालो प्रेस करो और रिमूव योर फिंगर कम ऑन रिमूव देयर आल्सो योर फिंगर
कम ऑन, बेंडिंग यहां पर थोड़ा, वहां पे बेंडिंग थोड़ा सा, चलो जेड इफेक्ट, कम ऑन, अभी दोनों पॉज एक साथ करोगे, इधर भी पॉज उधर भी पॉज, और दोनों फेडर पॉज होने के बाद दोनों फेडर स्लोली नीचे लोगे, कम ऑन, दोनों पॉज एक साथ दबा लो, हाय आई एम अल्बर्ट फर्नांडिस, आई फिनिश माय डीजे कोर्स फ्रॉम स्प्लिंटर्स. अल्बर्ट, हाउ वाज योर कोर्स? इट वाज वेरी गुड, आई एंजॉयड द ट्रेनिंग. या द ट्रेनिंग वॉज टफ फॉर यू, मीन फाइन ट्यूनिंग यू, आपको बहुत मेहनत किया आपके पीछे, एंड एट द लास्ट वी ब्रॉट यू टू दिस लास्ट लेवल पे आपको लाया है. अभी कैसा लग रहा है? ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो गया तुम्हारा अभी, तो कैसा लग रहा है कोर्स? कैसा तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी हो गई? सर अच्छा है, कोर्स भी अच्छा है, ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छी रही, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. अल्बर्ट थोड़ा सा कठिनाई हुई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑन टू द रोड टू सक्सेसफुल ट्रेनिंग. आज तुम्हारी ट्रेनिंग भी काफ़ी कंप्लीट हुआ है, काफ़ी मेहनत तुम्हारे पीछे करना पड़ा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट बहुत अच्छा है. यू आर रियली इंडीड डूइंग रियली वेल. ऐसी क्या रीज़न थी कि जो तुमने स्प्रिंट, व्हाट वाज द रीज़न फॉर यू टू जॉइन स्प्रिंटर्स डीजे स्कूल? व्हाट वाज द मेन रीज़न? आई वांटेड सम एक्सपीरियंस डीजे स्कूल, एंड सिंस आई गॉट द इन्फॉर्मेशन इट्स द ओल्डेस्ट डीजे स्कूल इन मुंबई. अच्छा. एंड आई थिंक इट्स ओल्डेस्ट इन इंडिया ऑल्सो. अच्छा. सो फॉर दैट रीजन आई जॉइंड. तुम्हारा कहना है कि ये इंडिया की मुंबई की सबसे पुरानी डीजे स्कूल है, और तुमको कोई एक्सपीरियंस डीजे चाहता जो तुमको ट्रेनिंग करे, इसके वजह से तुम यहाँ पे आए. क्या तुमको लगता है दिस इज द बेस्ट ट्रेनिंग स्कूल इन मुंबई इंडिया? और डीजे लोग यहाँ पे अक्सर देखा जाता है अल्बर्ट, कि बहुत से डीजे लोग आते हैं लुकिंग एट द मनी, तुमने पैसे के लिए सोचा नहीं, ऐसे बहुत से डीजे आते हैं. मैनी डीजे थिंक अबाउट व्हेन दे कम ओवर, या उनको अगर हम पैसे बताते हैं तो बाग के दूसरे जगह पे डीजे करने जाते हैं, फिर बाद में रॉन्ग ट्रेनिंग होता है, फिर वापस प्रिंटर्स में आके डबल पैसा खर्चा करते हैं. तो ऐसे डीजेस लोग को तुम क्या बोलोगे कि जो दूसरे जगह थे, क्या उनको पहले ही प्रिंटर्स में आना चाहिए? ऐसे बहुत से डीजेस लोग हैं जो बोलते हैं हमारा डीजे इंस्टीट्यूट है, ये है वो है, बात भी करने नहीं आता उनको, जनरली सब नकली ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन में डीजे वॉर के जैसा कॉम्पिटिशन रखते हैं, और फिर बाद में स्टूडेंट्स लोग को अपने इधर बोलते हैं फ्री वर्कशॉप आओ. क्या लगता है तुमको, ऐसे डीजेस लोग को फ्री वर्कशॉप वगैरह अटेंड करना चाहिए क्या? ऐसे वर्कशॉप्स और ऐसे लोगों से बचना चाहिए, डायरेक्टली स्प्रिंटर्स में आना चाहिए, क्या ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो एक नाम का खाली एक इंस्टीट्यूट वगैरह खोल के बैठे? नहीं सर, एक तो मेन बात इट शुड बी एक्सपीरियंस थिंग, एंड आई फाउंडेड अ स्प्रिंटर्स. तुमको स्प्रिंटर्स में काफी अच्छा लगा? Yeah. स्प्रिंटर्स में तो कभी आज तक हम लोग ने ऐसा कोई फ्री ट्रेनिंग रखा नहीं है, तो ऐसे क्या लगता है कि जो डीजेस लोग जो फ्री ट्रेनिंग में जाते हैं उनके लिए, और जो पैसे देखते हैं उनके लिए तुम क्या एडवाइस करोगे? यहाँ पे आके अच्छा पैसा देके अच्छा ट्रेनिंग करना है, क्या दूसरे जगह जाके सस्ता ट्रेनिंग करना है? सर सस्ते में सस्ता ही क्वालिटी मिलेगा सर, अच्छे में अच्छा क्वालिटी मिलेगा, जो अच्छा दाम देगा तो अच्छा क्वालिटी भी मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. अच्छा, और तुमको अभी तुम्हारी ट्रेनिंग तो खत्म हो गई है, अभी तुम क्या करना चाहते हो अल्बर्ट? इसके आगे मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा डीजिंग के लिए. अच्छा, और अपना प्लानिंग वगैरह कर रहे हो इन अ वेरी सीरियस वे टू डू द डीजे? आई एम गोइंग इनटू इट वेरी सीरियसली. अल्बर्ट, वी विश यू द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, एंड वी होप एंड वी प्रे दैट यू रियली टर्न आउट टू बी अ वंडरफुल डीजे. एंड आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि तुम इस बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ो, और डीजिंग इंडस्ट्री में तुम्हारा स्वागत है, वेलकम है. वी विश यू द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. हैव अ नाइस डे अल्बर्ट. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू.